भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से बढ़कर अब 17 करोड़ तक पहुंच गई है। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान नड्डा ने कहा कि देश के सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल वंशवाद की पार्टियां बनकर रह गए हैं, जबकि भाजपा एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सही मायने में कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से बढ़कर अब 17 करोड़ तक पहुंच गई है। मंडी के ऐतिहासिक सैरी मंच पर आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान नड्डा ने कहा कि देश के सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल वंशवाद की पार्टियां बनकर रह गए हैं, जबकि भाजपा एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सही मायने में कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण सभी साधारण परिवारों से आकर पार्टी से कार्यकर्ता के रूप में जुड़े और अपनी निष्ठा और मेहनत के बल पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी हिमाचल जैसे छोटे से राज्य से उठाकर पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही है। उन्होंने कहा कि इस समय हिमाचल और देश में भाजपा का स्वर्ण काल चल रहा है, पार्टी लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि कभी मंडी में अटल जी और शांता जी की रैलियां करवाई जाती थी और उन्होंने सुनने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता था, तब भी दरियों पर बैठकर कोई नहीं सुनता था, मगर आज दो दिन के आह्वान पर सारे पंडाल भरा पड़ा है। नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति की संस्कृति को बदलने का रास्ता है, जिसके चलते देश में भ्रष्टाचार को समाप्त कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में भारत की तस्वीर बदल डाली है, वहीं पाकिस्तान को भी दुनिया की राजनीति में अलग थलग करके रख दिया है। इस बात का उल्लेख किया कि छोटा सा हिमाचल और इतनी बड़ी जिम्मेवारी, मैं सबसे पहले तो विश्व की शख्सियत और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत के गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री बोर्ड के सदस्य राजनाथ सिंह जी को, नितिन गडकरी जी को, आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, जिन लोगों ने मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी, उसके लिए आप तमाम हिमाचल वासियों की तरफ से उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सामान्य कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तो आपकी प्रार्थना और आपके तप से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने में प्रयास करूंगा। जगत प्रसाद नड्डा ने मंडी में बिताए अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि मंडी की दीवारों को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि यहाँ की हर दीवार पर उन्होंने अपने हाथों से वॉल राइटिंग की है, वहीं पर मंडी में देश के बड़े नेताओं की रैलियां करवाने का दायित्व भी उन्होंने निभाया है, जिसमें माननीय अटल जी प्रमुख थे। नड्डा ने कहा कि जब जयराम ठाकुर बोलने के लिए उठे तो जोर की तालियां बजी। हम राजनीतिज्ञ तालियों की गड़गड़ाहट से समझ लेते हैं कि मौसम कैसा है। आजकल हिमाचल में भाजपा के लिहाज से मौसम अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के समाप्त होने का जिक्र करते हुए कहा कि उसके हटने से वहां पर देश के कानून की 104 धाराएं लागू हो जाएंगी, जो पहले लागू नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा कि अब वहां पर भ्रष्टाचार उन्मूलन पास्को जैसे कानून भी लागू होंगे। वहीं पर जम्मू कश्मीर बैंक घोटाले के दोषी अब या तो जेल में होंगे या फिर बेल पर होंगे। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में अब डबल इंजन की सरकार है, जिससे विकास की रफ्तार तेज हो गई है। 32 दिन हुए सरकार में, 132 दिन, और मैं नेताओं को हमेशा कहता हूं कि अपनी उंगली का भरोसा रखो। आपने उंगली दबाई थी शायद 19 मई को, मैं भी आया था हिमाचल प्रदेश में उंगली से कमल का निशान दबाने के लिए। आपने 19 तारीख को उंगली दबाई थी, कमल का खिला निशान खिलाया था, राम स्वरूप जी को कबड्डी का पहलवान बना करके आपने भेजा, खिलाड़ी बना करके भेजा, और राम स्वरूप जी ने 6 तारीख को और मैंने 5 तारीख को अपनी उंगली से धारा 370 समाप्त कर दिया। इसको समाप्त
ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अगले महीने धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। मंडी में सेरी मंच पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा के अभिनंदन समारोह के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा ने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू कर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है, जिससे हिमाचल को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल छोटा राज्य है, लेकिन जिसकी जिम्मेदारियां बड़ी निभा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले इस पद तक बड़े राज्यों से आए लोग भी पहुंच पाते थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाले 7-8 नवंबर को धर्मशाला में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, लेकिन कांग्रेस के मित्रों को अभी इससे परेशानी हो रही है। जो हम नहीं कर पाए वो ये क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इन्वेस्टर मीट के माध्यम से प्रदेश से बेरोजगारी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब ऊपर नीचे की और टोपियों की राजनीति बंद हो गई है, अब केवल समग्र हिमाचल का समग्र विकास की लक्ष्य है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी संबोधित किया। 5 वर्ष के कार्यकाल काफी नहीं है, देश को जरूरत है कि अभी मोदी जी कई 5 वर्ष तक सत्ता में रहने चाहिए। इसलिए जो पिछली बार जो मोदी थी जो उस मजबूती को और ज्यादा मजबूत करना है, आपने और भी ज्यादा समर्थन देकर के सहयोग देकर के जो है उनको मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत नेता के रूप में भारत का ही नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, एक मजबूत नेता के रूप में विश्व का नेतृत्व करने की परिस्थिति है। कार्यक्रम में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।